Assalamualaikum everyone, welcome back to the new vlog. तो गाइस आज के नए vlog के साथ और आज हम लोग करने वाले हैं तहसीन दीदी की बर्थडे. ये बोलो ये. तो गाइस आज तहसीन दीदी की बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले, तो मतलब कल 12 बजे उनकी बर्थडे स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग को जल्दी देखने को मिल जाएगा ये व्लॉग. तो आप लोग को कमेंट करके उनको हैप्पी बर्थडे विश करना है जितना हो सके उतना. और गाइस आज हम लोगों को देने वाले हैं एक और एक सरप्राइज. तो गिफ्ट तो उनका हो चुका है पहले से ही, उनको करने वाले स्पेशल फील, तो आप लोग को आगे देखने को मिलेगा. तो भी जाके उनको बोल देते हैं कि रेडी हो जाओ तू, क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट होगा. तो डेकोरेशन का सामान लेने भी जाना है हम लोगों को, तो जाते हैं जल्दी जल्दी से. और नवे घर पे भी जाना है, तो चश्मा पहन के छोटे दी थी चश्मे में, चश्मा बड़ा है. हाँ तो गाइस चलो भी जाते हैं बाहर, तहसीन दीदी को पूछते तुम रेडी हो जाओ, बोलते हैं जब तक के मैं नवे घर पे जाके डेकोरेशन का सामान लेके फिर आते हैं. चलो गाइस हम लोग आ चुके हैं बाहर और अभी यहाँ पर तहसीन दीदी को बता देते हैं. तो तहसीन दीदी आज हम लोग तुम्हारे को करने वाले हैं सरप्राइज फील करने वाले फिर से. तुम रेडी रहो वो चीज के लिए. आज तुम मुंह नहीं धोए क्या? नहीं नहीं लगता. नहीं के फेस पे पिंपल्स कितने हो रहे? अब पिंपल्स भी कितने? अब इनको वो चीज बता ना, क्योर स्किन का अपना. हाँ यार बता सकते हो ना, क्योर स्किन का प्रोडक्ट यूज करो. देखो एक नंबर है स्किन पे, मेरी स्किन पे देखो वही है आज. और दानिश ने भी यूज किया, दानिश का चेहरा देखो कितना चिकना हो गया. और चिकना हो गया अभी हो तू. हाँ ठीक है, इसका पेज है देखो, बिफोर आफ्टर देखो. तो तू कुछ प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हो क्या कब से? हाँ तो अभी ये यूज करो, इनको बताती देखो वो डॉक्टर्स वॉक्टर्स के साथ. तो गाइस क्योर स्किन का प्रोडक्ट हमेशा यूज करना चाहिए, तो स्किन एकदम बेटर ग्लो रहती है. तो तहसीन दीदी के फेस पे भी देखते हैं कैसा सूट होता है वो. तो अभी तो प्रोडक्ट नहीं आएगा, बट मेरे जो प्रोडक्ट्स है वो उनको दिखा देती हूँ कि मैं क्योर स्किन का कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ. और उनको डॉक्टर से कंसल्ट भी कराते हैं, आप लोग खुद देखना उनके फेस पे जो पिंपल सब दिखेगा. तो इसको कैसा करते हैं, तो आप लोग को पहले जाके करना है लॉग इन, क्योर स्किन का ऐप डाउनलोड करना है. ऐप डाउनलोड करने के बाद वो आपको पूछेंगे आपको स्किन प्रॉब्लम है या तो हेयर प्रॉब्लम है. अगर तुमको स्किन, हाँ तो स्किन प्रॉब्लम है, तुमको स्किन पे जाके बताना है, तो वो फिर आपको बोलेंगे आपको क्या तकलीफ है. तो आप बता सकते हो कि तुम्हारे को क्या एक्ने है, बेटर ग्लोइंग स्किन चाहिए, डार्क स्पॉट्स है, पिंपल्स भी है. यस तो वो सब बताना पड़ेगा. वो सब बताने के बाद वो आपको डॉक्टर्स कंसल्ट होगा, डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको ये. तो फिर आपका फेस स्कैन होगा, स्कैन होने के बाद आपकी लेफ्ट साइड की स्कैनिंग लेके फिर आपके जो भी स्पॉट्स है वो दिखाएगा. तो वो की की दोनों साइड की रहेगी और फुल फेस की रहेगी. फिर उसके बाद तुम्हारे को जो भी तकलीफ है पिंपल्स वो सब दिख के आएंगे और तुम्हारे को दे देंगे प्रोडक्ट. उसके अंदर आपको 1500 के साथ डॉक्टर भी मिल जाता है और साथ में प्रोडक्ट भी मिल जाता है. ऐसा तुम डॉक्टर के पास जाओगे तो वो 2000 ले लेगा और दवा का अलग पैसा रहेगा. तो इससे अच्छा क्योर स्किन इज द बेस्ट प्रोडक्ट. ये चार प्रोडक्ट क्योर स्किन की तरफ से स्कैन करने का, स्कैन करने का डायरेक्ट खुल जाता है ऐप. तो ऐप में बताता है ML कितना पंप यूज करने का, क्या यूज करने का. ठीक है समझ गई? समझ गई. ओके गाइस, इस डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, तो आप लोग वहाँ से जाके अभी तुम ऑर्डर कर लेना फटाफट. ठीक है चलो ठीक है, चलो जाते हैं ये पोटला लेके घर पे, क्योंकि उसको किचन भी बन रहा है. तो किचन का उसको बताना है सनमाइकर कौन सी यूज करना है. तुम्हारे से ज्यादा तो उसका वजन है. मालूम है मेरे प्यार में पागल को जाना तो डायलॉग ही मारते रहते, सब मालूम है मेरे को. मैं भी देखती हूँ तुम्हारी रील्स. चुके हमारे घर पे और यहाँ पर देखे तो हमारा किचन ऑलमोस्ट रेडी होने आया है. ये सब स्टोरेज का बन चुका है. अच्छा लग रहा है, नहीं बहुत ओवर हो जाता है. ये सब ये होम टूर दे रहे हो तुम? नहीं तो नहीं रहने दो, बाद में दिखाएंगे. जब किचन मिलेगा इंशाल्लाह. और अभी ये सब हो गया है हमारा काम, और अभी यहाँ पर और सब काम चालू है. और हमने डिसाइड कर लिया हमारा किचन कौन से कलर का चाहिए हम लोग को, हमारा टीवी यूनिट कौन से कलर का चाहिए. अब बस सिर्फ वार्डरोब और बेडरूम का कलर डिसाइड करना है. इंशाल्लाह बस हाथ में आ जाए घर अपने. चलो जाएंगे, हम लोग घर से निकल गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं डेकोरेशन वाले की शॉप पे. चलो चलो मेरे को देख के चालू हुआ. हाँ हाँ चलो क्या लेना है?
देखते क्या लेते हैं। मैं सोच रही हैप्पी बर्थडे का फॉल बलून ले लेते हैं। बच्ची ने की बड़ी हो गई ना, उसे शादी भी करानी है इंशाल्लाह। जल्दी चाहती है आप लोग की फरमाइश पे शायरी मांगने वाली है। बोलो शायरी, बोलो क्या शायरी थी? कुछ भी नहीं, सामान ले लिए। अच्छा सामान ले लिए, पापा बलून फुगाने का सब चीज ले लिए। चलो ठीक, सारा सामान ले लिया। हां उसके बाद नवा वो भी था क्या? अच्छा करंट वाला ना, करंट वाला, करंट वाला था। प्रैंक प्रैंक था, प्रैंक प्रैंक करते ना, वो ले लो फोड़, तो फोड़ने वाला करंट निकलता है, वैसा था समझे। नहीं नहीं चलो, हम लोग आ गए घर पे आइजल को लेने। तो आप लोग के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि तुम लोग आइजल को छोड़ छोड़ के चले जाते हो, बच्चे पे ध्यान नहीं देती हूँ मैं, बच्चे को खिलाती नहीं हूँ पिलाती नहीं हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज, मैं जो चीज आप लोग को दिखाती हूँ वो चीज में तो आइजल रहती नहीं ज्यादातर के। आइजल को खिलाते तो हम लोग दिखाते नहीं, क्योंकि ऐसी उसको नजर लगती तो दिखाएंगे तो और नजर लग जाएंगी। इसके लिए घर वाले मना करते कि कुछ खिलाती तो दिखाया मत कर, खास करके दानिश चिल्लाता है मेरे को। तो खिलाते तो हम लोग दिखाते नहीं है, पिलाते तो हम लोग दिखाते नहीं है। उसको अखा दिन डायपर में रखते हैं वो नहीं दिखाते हम लोग, अखा दिन खुला रहती है वो नहीं दिखाते हम लोग। तो आप लोग प्लीज़ जज मत करो कि उसको खुला नहीं रखते, 24 घंटे डायपर में रहती है या खाना खाती है तो वो दिखाओ, मतलब खिलाते नहीं हो, ध्यान नहीं देते। तो ऐसा कुछ नहीं, मैं उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और छोड़ के भी हम लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वो जगह पर उसको लेके जा नहीं सकते, कब काम वाम हो रहा है घर के अंदर वहाँ जाती हूँ, या तो नीचे हम लोग कुछ सामान रहता थोड़ी देर के लिए, मेरे को हाथ में तकलीफ है तो मैं उसको ज़्यादा उठा नहीं पाती हूँ। पीछे भी वो मेरे हाथ के सपोर्ट पे बैठ रहती है तो उसके लिए मुझे तकलीफ होती, समझे। और इनकी काठी जब वो कमजोर है तो समझ जाने के काठी कैसी है। हाँ सीधा डॉक्टर ने मेरे को एक ही चीज बोला, उसको खुद को पता है, दानिश खुद बोला ऐसी है। डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर वाले अब्बा मोटे है। हाँ मेरे को सीधे डॉक्टर ने एक ही जवाब बोला, मेरा डॉक्टर को डॉक्टर मेरी बेटी का वजन क्यों नहीं बढ़ रहा, बढ़ भी रहा है तो मतलब दिख के क्यों नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर बोले एक चीज बोलता हूँ, इसके डैडी मोटे है या घर में कोई मोटा है, मैं तो मोटी हुई, आंटी भी मोटा, आंटी भी दूसरे घर से आए ले तो, और तो हम दोनों ही मोटे घर के अंदर। तो बोले और कोई मोटा है तुम्हारे लिए? सब कौन है? तैबा दीदी भी ऐसी हो गए अभी, तैबा दीदी के बच्चे कैसे? तो फिर तो मैं वही बोली के तो उन्होंने बोले काठी ऐसी है, तो बोले फिर वही होएगा, बोले आगे जाके इंशाल्लाह बढ़ेगी। और ऊपर से वो सुपर एक्टिव है, मतलब वो इतनी एक्टिव है ना माशाल्लाह, वो पूरा घर में घूमते ही रहेगी वो। हाँ बस घूमते रहो घूमते रहो, छोटा डॉन है, छोटा डॉन है, खिलाने का टेंशन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये घर हो या वो घर हो दोनों घर खिलाता ही है उसको कुछ ना कुछ। और ये 24 घंटे के मुंह में कुछ ना कुछ रहता है, ये बिस्किट हो गया, मिठाई हो गई, या तो हम लोग घर में वेफर खा रहे तो वो खा रही है, मतलब चलते फिरते वो चबाते देते, इसके लिए उसको खाना जल्दी जाता नहीं, और खाने में इतना नाटक है ना, उसकी मम्मी और तहसीन दीदी दोनों ठूसते। पहला तो ये खाती है, उसके बाद हम लोग खाते हैं, पहले खाने देती है, पहले वो मम्मी देती है, हम लोग खाते हैं। वो उसके बाप जैसी है, चूजी पसंद, चीज की मंगनी है। आइजल आइजल नया सिक्के बुलाओ, ऐसा बुलाओ, आओ ऐसा बुलाओ, ऐसा बुलाओ, अब्बा को बुलाओ। और इतने मतलब इतने अभी 8 महीने से माशाल्लाह वो चलने लग गई, मतलब कोई कोई सुफियान भी ऐसी था ना मम्मी, तू भी ऐसी थी, मतलब 8 महीने में चलने लग गया था ना सुफियान भी, चलने भी लग गया था, 2-3 साल तो खाना ही नहीं खाता था, हाँ खाली दूध पे था वो। और अभी देखो माशाल्लाह। अच्छा ना माशाल्लाह ना, अभी इसके लिए बचपन में ना जो बच्चे मोड़ रहते ना गारंटी लिख के देती, वो बच्चे ना बड़े होके पतले हो। पहले तो पहले कितना रोता था वो, इसके माँ के कपड़े नहीं आते थे, शर्म आता, कितना रोता था वो, अभी माशाल्लाह इनके कपड़े छोटे करके भी आते हैं। देखो आ जा आ जा, अच्छा जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, ऐसे घर में घूमती है बच्चे ना, मस्ती खेलना, तुम खेल रहे हो अभी भी बच्चे हो, तुम आई जाएगा बॉडी, बस खेलना कूदना, खाना ना जरा नहीं, सही बात है, ऐसा हो गया माशाल्लाह, खाना खाना ही खाना, सही बात, क्या हो रहा, बच्चा नहीं जा रही मैं किधर भी। तो गाइस चलो अभी जाते हैं, तो अब्बा मम्मी आते हैं, सिंधी की बर्थडे है, मतलब 12 बजे होगी। हैप्पी बर्थडे। चलो ठीक है, चलो जाएंगे, चलो आइजल पप्पी की बर्थडे है, चलो तुम लोग की मर्जी, आते तो आ जाओ, जीत मत कर रही, तुम्हारी मर्जी, आते तो, अरे तो मेरी बर्थडे क्या मैं बुलाऊ? नहीं वो आ भी जाएंगे, मैं बोलूंगी तो मम्मा, ठीक है चलो, हम लोग भी जा रहे हैं, हम लोग भी आएंगे, चलो चलो जा
अभी तो हम लोग कुछ अलग बनाया, ठीक है, इसको पूरी रात घुमाऊंगा। घर गए नीचे, मतलब घर पे चले गए थे, फ्रेंड को नीचे बुलाए हम लोग, क्योंकि अभी जा रहे हैं हम लोग उसकी गाड़ी पेट्रोल भराने और जा रहे हैं हम लोग केक लेने के लिए। तो ये रही हमारी धन्नो, हो गई ऑन। अभी हसनैन अकेले चलाएगा, रोड पे निकलेंगे अभी हसनैन लेके। वाह वाह वाह, लग रहा है ना। ले चुके हैं केक, हो गया हमारा केक, चलो अभी जाते हैं घर। अभी घर पे आ गया मेन बात, केक में भी बहुत ऑप्शन है, उसके बाद मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगी। तुमने उसके लिए कुछ अलग केक है, आप लोगों घर पे आके मिलेगा, देखने है ना। रेड वेलवेट तो है यार, कौन सा अलग है। यो गाइस, हम लोग आ गए घर पे और अभी डेकोरेशन करते हैं। आयसल की तबीयत ठीक नहीं है, कैसे कर रही भी चलो माँ मुझे सतामत मुझे मेरे में रहने दो। चलो तो गाइस, चलो अभी डेकोरेशन कर देते हैं। हम लोग यहाँ की वॉल क्लियर कर चुके हैं और हमारा टीवी भी कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग इससे। हाँ, तुम ना तुम अखल गेम खेलते हो ना, इसके लिए हटा। गेम मोबाइल में गेम नहीं समझे, झुट्टा हो गया। कनेक्ट इतनी मेहनत से मैंने करी, इतने इसको देखो उठ गई। आइजल कहा है बच्चे को, मेरे पापा को कहा हुआ। हाँ ठीक है, चलो अभी डेकोरेशन की तैयारी चालू है हमारी। नौसी पापा पूजा पुका रही है और मैं यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ, नौसी नीचे जाले भी लगा होगा, तो इसका फेसिंग में देता है सरप्राइज जो आप लोगों को मिलता है आगे। ओके, इतना छोटा सी सिंपल एंड स्वीट हमने कर दिया, क्योंकि आयजल की तबीयत ठीक नहीं है, उसको गोद में लेके बैठना पड़ेगा। हंसने ले रहा था तो हम लोग कब तक कर लिए थे, अब मैंने ले ली क्योंकि हसनैन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा और ये उठ ही दिए थोड़ी थोड़ी देर। सही है गाइस, अभी इतना सिंपल किया है तो उसको अच्छा लगना चाहिए, क्या बोलते हैं। यस, अच्छा लगना। अभी हम लोग बुलाते हैं उसको, फिर ठीक है भाई। भाई ये भाई ना, भाई बहुत उंगली करता है। चलो गाइस, अभी हमने टीवी भी कनेक्ट कर लिया, आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो देखने को मिलेगी। और यहां पर छोटी सी स्क्रीन आएगी, ये लोगों को बड़ी मिलती है, लोगों बड़ी ना, तो सबको भी जाके। हम लोग के घर में मसला ये है, ये लेट नाइट हम लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सब सो जाते हैं और मेरे घर पे सब लेट नाइट होता है, डे में कुछ नहीं कर सकते। चलो अभी जाते हैं, कैमरा सेट करते हैं इधर और नौशीन तुम जाके लोगों को लेकर आओ, जैसे मैं ये रेडी करता हूं, ये मैं फोड़ूंगा। ये वाला भाई पुष्पा का भाई लग रहा है मामा, गिर जाता ना, झुक जाता। रुक गया रुक गया, पहले नौसी मामी, नौसी मामी पहले। अच्छा तुम थे क्या? झाड़ू मार देगी तशरीफ लाओ, बीच में बैठ जाओ, हम लोग तुम्हारे आज वाली बैठे। अभी क्या बाकी है, अभी केस कट करेंगे। सो गाइस, कैमरा सेट हो चुका है, चलो अभी केक कट करते हैं। पहले वीडियो दिखाना, फिर केक कट, ठीक है। पहले क्या ही रखा है, पहले थोड़ा चलो स्टार्ट है। बाकी थोड़ी आज थोड़ी नर्वस हो गई थी बच्चे देख के, पहले कैमरा सेट है, अब चालू करते हैं कुछ चीज।
चालू करते हैं। चलो मम्मा वॉट वॉट मैं बोलती हूं। हां मैं चालू करूं आगे आगे तो सेट होगा ना। सो गाइस टीवी कनेक्ट हो चुका है, अभी जाते हैं। तो गाइज ये है एक स्पेशल वीडियो तहसीन दीदी के लिए स्कूल वॉल्यूम का, एकदम साइलेंट तो ये खुशी की जगह मम्मी और तेजिन दोनों इमोशनल हो गए थे। मम्मी भी आग में आशीष चल हो गए थे। चलो ठीक है गाइस कुछ नहीं, केक कट करते हैं। आप लोग देख चुके हैं वीडियो, अभी जाते हैं केक कटिंग करते हैं। तेजसिंह का जो फेवरेट केक है वो केक हमें मिला है। कौन सा, पाइनएप्पल या रसभरी? पाइनएप्पल ब्लैक बेरी नहीं, नहीं ये भी खोला आप लोग के लाल 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 अब्बा का भाई कौन से कलर का है? वो कलर का है। चलो ठीक है गाइस अभी केक लगाते हैं फिर केक काटते हैं, आप लोग को मिलते हैं। चेसिंग का केक ये दिया, रेड वेलवेट हैप्पी बर्थडे शिशर। अच्छा है ना, अच्छा है ना, मेरे से अच्छा है, नौशीन जैसा अच्छा है। कौन से हॉस्पिटल की सिस्टर है? सिस्टर। चलो ठीक है, तो कैसा लगा केक? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तुम लोग देखता किस कैसे है, मेरे से नौशीन जैसा है? मेरे हाँ, अभी सर आज बात करने मूड में नहीं है ना, अभी केक पे हमला वही कर दी। सेट हो चुका है, चलो अभी सब एक साथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू। तू पाले अपना मुंह खोल के बोल दिया भाई मेरे को ले, नौशीन अच्छे से फील
कराने के लिए और इतनी अच्छी वीडियो बनाए थे उसके लिए दोनों को थैंक यू। फैन पेज ने बनाई इतना स्पेशल फील करा है। उसके पहले लोग भी मुझे गिफ्ट दे चुके थे क्या, प्री बर्थडे सेलिब्रेट किए थे हमने तो प्री बर्थडे सेलिब्रेट कर चुके थे। ये वीडियो देख के इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई थी ना, दिल भर आया। सबको देगा तो देखो कौन देगा। तो गाइस इसी के साथ कुछ बोले बोलो 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 बोलो। तो गाइस ब्लॉग को एंड करते हैं, तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग।